हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट स्टार्ट टूडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट एलेट DU LLB LLM NLS एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है मोस्टली वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर होने वाला है, और इस मुद्दे को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम से कम 15 से 16 न्यूज आज के अखबार में जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस से ही रिलेटेड आई हुई है। आगे बढ़े उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग ले लीजिए। Which article of the Indian Constitution states that law declared by Supreme Court is to be binding on all courts within the territory of India? ये आप मुझे comment section में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के session की। देखिए, बहुत front page पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, World shocked by Russia's full scale invasion of Ukraine। देखो, हमने कल देखा था कि किस तरीके से रशिया ने, जो रशिया के द्वारा बैक्ड जहाँ पे रिबल लोग रहते थे डोनेट्स्क एंड लुहानस्क, यहाँ पे अपनी आर्म फोर्स भेज दिया था और काइंड ऑफ इनको इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह घोषित कर दिया था। अब कल से आज में एक नई चीज़ देखने को मिली है कि रशिया ने पूरे पूरे यूक्रेन में अपना जो है वो कब्जा जमा लिया है। काफ़ी सारी वीडियोस देखने में आ रही हैं। यूक्रेन के जो हेड है उन्होंने तो ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है कि यूक्रेन इज़ अंडर अटैक, रशिया ने पूरा यूक्रेन को इन्वेट कर लिया है और बाकी कंट्रीज़ मेरी मदद करो। तो इस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं। नेटो का आर्टिकल 4 न्यूज़ में, ये सब क्या है हम सब कुछ देखेंगे। पहले चल जाते हैं इसके इतिहास के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। देखो, बात है USSR के बारे में। जब USSR एक बहुत बड़ी संस्थान होती थी, उस समय बाकी कंट्रीज़ को डर लगता था कि कल को जो इतने सारे कंट्रीज़ हैं USSR के, ये लोग किसी कंट्री पर अटैक कर देंगे तो कंट्री तो दब जाएगी। तो इसीलिए इनको टैकल करने के लिए ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था नेटो। 1949 में नेटो की स्थापना हुई थी। नेटो का मेन मोटिव था USSR के, आप कह सकते हो, पावर को बैलेंस करना। USSR 90s में जाकर डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन नेटो जो है वो चलता रहा। नेटो का एक सिंपल प्रिंसिपल था कि हम कंट्रीज़ में से अगर कोई भी एक बंदे के ऊपर कोई अटैक करेगा तो मतलब हम सब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करेगा और हम सब कंट्रीज़ उसका जवाब देंगे। नेटो में देखिए, पहले आपकी कुछ 15 कंट्रीज़ होते थे, जैसे कि आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेटविया, लिथानिया, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। आज की डेट में इसमें से बहुत सारे कंट्री जो है ना वो नेटो के पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि USSR तो डिसइंटीग्रेट हो गया था 90s के बाद। अब क्या है, ये देखिए प्रेजेंट सिचुएशन आप ये नेटो की देख सकते हैं, ठीक है। ये नेटो मेंबर्स आपके, जब ये बात है करीबन समय के साथ आप देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें बदली और नेटो कितनी जगहों पर अपनी छाप छोड़ चुका है, कितने सारे मेंबर्स हैं जो नेटो के पार्ट हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, रशिया के सिंपल सेट दो डिमांड क्या थी। रशिया की देखिए, पहले एक डिमांड ये थी कि जो ये यूक्रेन है ना, आप इसको नेटो का पार्ट मत बनाइए, क्योंकि नेटो जो है वो यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना चाहता था और नेटो भी कोई बहुत प्यार मोहब्बत नहीं आई थी यूक्रेन के ऊपर। उनको भी रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना था, पड़ोसी देश था ये यूक्रेन, अगर नेटो का पार्ट हो जाता तो वो रशिया को टॉर्चर कर सकते थे। तो वो चाहते थे कि यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट ना बने, रशिया की एक ये डिमांड थी। रशिया की दूसरी डिमांड ये थी कि 1998 के बाद जब हम भैया पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो फिर आपको नेटो की स्थापना की ज़रूरत क्या है, नेटो की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत क्या है। तो रशिया की ये डिमांड थी कि 1998 के बाद जितने भी कंट्रीज़ नेटो के पार्ट बने आप सबको बाहर निकाल दीजिए। उन कंट्रीज़ में से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो USSR के पुराने मेंबर्स थे, उन्हीं के लिए यहाँ पे बात कही गई थी। अब क्या हुआ, ये दोनों डिमांड नहीं मानी गई, काइंड ऑफ बातचीत काफ़ी समय से चल रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी बातें कर रही थी और US अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा था, और इन सब के बीच में पिस गया यूक्रेन। यूक्रेन ने कुछ इस तरीके से कदम अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं किए थे, उनके ऊपर ही इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि रशिया ने पूरे यूक्रेन को अपने अंडर में ले लिया है, इनकी आर्म फोर्सेज जो हैं पूरे यूक्रेन में अपने अंडर में हैं। नेटो का आर्टिकल 4 क्यों न्यूज़ में आ रहा है, तो नेटो का आर्टिकल 4 का बेसिकली मतलब ये है कि नेटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री के ऊपर कोई बाहरी कंट्री अटैक करती है तो सारे कंट्रीज उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। इसी के चलते हुए क्या हो रहा है, इसी के चलते हुए नेटो जो है ना वो यूक्रेन के अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज जहाँ पे नेटो के ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भेज रहा है, जिससे कि कल को अगर रशिया कुछ और भी प्लान कर रहा हो तो फिर ये लोग जाके उसको टैकल कर सकें। तो ये उथल पुथल अभी नेटो कंट्रीज में भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं कि रशिया को यूक्रेन की इतनी नीड क्यों है, क्यों यूक्रेन के पीछे रशिया पड़ा हुआ है। तो देखो, ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी ना पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जो है ना वो ब्लैक सी से होते हुए निकलता है। रशिया देखो बर्फीली जगहों पे है, लेकिन इसका यहाँ पे एक पोर्ट है जो बर्फ में नहीं आता है,
और कल को यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट हो जाएगा तो रशिया से किसी का भी वॉर होगा तो वो उनके इस पोर्ट पे अटैक करेंगे, उस पोर्ट को कब्जा कर लेंगे, रशिया का कनेक्शन खत्म कर देंगे बाहरी कंट्रीज के साथ। तो रशिया भी अपने उस पोर्ट को सुरक्षित करने के लिए ये सब कदम उठाता रहता है। आज से 4-5 साल पहले 2014-15 के बीच में इन्होंने क्रीमिया को अनेक्स किया था, ये आपका क्रीमिया है, इनको भी रशिया ने अनेक्स किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो ब्लैक सी से अपना जो कांटेक्ट है वो बढ़ाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि कल को कोई क्रीमिया में आके उनके ऊपर अटैक कर दे। और यूक्रेन के साथ भी यही हो गया है, मतलब देखिए यही होता है। यूएस का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो कंट्रीज को उस हद तक सपोर्ट करता है जब तक जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तब भाग जाता है। तो यही हुआ है अभी यूक्रेन को, वो कह रहा था मेंबर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, यूक्रेन ने भैया जोश में आया और अब रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। क्या कर लिया यूएस ने? कुछ नहीं कर लिया, सेंक्शन ही लगाते रहोगे रशिया को, वैसे भी सेंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी इतने सेंक्शन लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें एक मिंस्क 2 मिंस्क 1 डील जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो ये क्या है थोड़ा सा जान लो यार, है ना। मिंस्क 1 क्या है, मिंस्क 2 क्या है? तो मिंस्क 1 और मिंस्क 2 जो है ना, दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था रशिया एंड आपके यूक्रेन के बीच में, और उसी को मिंस एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। 2014-15 में जो पहला हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा हुआ था, ठीक है। अब पहला जो मिंस्क था आपका, बेसिकली उसमें ये था कि यूक्रेन एंड रशिया बैक सेपरेटिस्ट जो हैं वो 12 पॉइंट्स पे एग्री हुए थे सीज फायर डील को लेके सितंबर 2014 में, और काफ़ी सारे और बातें हुई थी, ठीक है। ये जो रशिया बैक सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, यही है जहाँ पे रशिया ने कल कैप्चर कर लिया था यूक्रेन के अंदर आके। फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, तो फिर मिंस्क 2 हुआ 2015 में, और वहाँ पे ये हुआ कि लुहानसक डोनेट्स्क में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे देंगे, यहाँ पे अलग से इलेक्शन करा लेंगे। तो वैसे अब तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया क्योंकि रशिया ने अब तो पूरा कैप्चर कर लिया यूक्रेन, लेकिन मिंस्क 1 मिंस्क 2 पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्या है। 13 पॉइंट्स का ये डील था टोटल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं सब कुछ। आज क्योंकि मुद्दा जरूरी था शुरू से डिस्कस करना एंड तक, तो मैंने किया है। इसी में एक चीज और आई है कि यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि वह पीस चांस, आप यूक्रेन को बात करने का मौका दो, आप इस तरीके से अटैक मत करो, ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने अभी कहा है। किसने कहा है? एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है, हेड है यूनाइटेड नेशन के, तो ये हमने देखा, ठीक है। इसके बाद मूडी टॉक्स टू पुटिन कॉल फॉर सीज फायर। अब मोदी जी पे भी काफी प्रेशर है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन मोदी जी ने डायरेक्टली रशिया को कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया इसमें, उन्होंने यही कहा है कि शांति से सीज फायर तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, डिप्लोमेटिक अपना स्टैंड रखा है। काफ़ी सारे बुद्धिजीवी इंडिया के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भैया सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन का, ह्यूमन राइट क्राइसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा इस पे पास्ट पे आते हैं। देखो यूक्रेन जो है ना आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, और यूक्रेन ने आपके अगेंस्ट में ही हमेशा खड़ा रहा है बहुत मामलों में। यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन को आपने आपके अगेंस्ट में पाया है, पहली चीज़। दूसरा, रशिया आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, इतना अच्छा फ्रेंड है ना कि 1971 का वॉर आप कभी नहीं भूल सकते हो। 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी जी, आप कह सकते हो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, यूएस ने अपनी सेना जो है वो भेज दी थी पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए, आधे रास्ते में थी, इंडिया की हालत बहुत खस्ता थी। उसी समय जो फ्रेंडली ट्रीटी साइन करी गई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी गई थी इंदिरा गांधी जी और रशिया के बीच में, उसी के फायदा उठाते हुए रशिया ने कहा कि भैया अब हम भी इंटरफेयर करेंगे अगर आप इंडिया के ऊपर अटैक करोगे, और वहीं से चीज़ें बदली, यूएस वापस अपनी फोर्सेस को लेकर चला गया। तो ये रशिया जो है आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे आज की बात हो चाहे पहले की बात हो। इवन रशिया की चाइना से दोस्ती है, ठीक है, पर उसकी इंडिया से भी दोस्ती है, तो वो चाइना से दोस्ती निभाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया से दुश्मनी निभाता है, वो इंडिया से दोस्ती निभाता है। रशिया से आप 60-70% डिफेंस का सिस्टम खरीदते हो, रशिया इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल, हम जो इंडिया में बनाते हैं मेड इन इंडिया बोलते हैं, बट एक्चुअली वो मेड इन इंडिया नहीं है, उसमें रशिया का भी 50% का शेयर है, रशियन कंपनीज का भी काफ़ी होल्डिंग है, उनकी टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे यूज़ होती है। तो कहने का मतलब है रशिया और इंडिया डायरेक्टली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और ऐसी चीज़ों में इमोशन नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, जो हो रहा है वहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट का अपना कंसर्न होता है, एंड रशिया इज योर क्लोज एलाई फ्रॉम पास्ट। अब इसमें एक और बात है, इसमें ये बातें देखिए लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जैसे रशिया ने अभी किया है ना यूक्रेन के साथ, कल को चाइना जो है ना वो वियतनाम के साथ ऐसा करने वाला है, और नो डाउट ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, तो क्योंकि चाइना भी इस तरीके की चीज़ें करने की धमकियां तो देता ही रहता है। तो लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है। अब कुछ और भी न्यूज़ है इसी मुद्दे से रिलेटेड, जैसे कि वीट का एक्सपोर्ट भारत का बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यूक्रेन रशिया से काफ़ी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होता था ग्लोबल मार्केट में, लेकिन अब वो नहीं होगा, तो इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का वीट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। फिर है कि इंडिया टी एक्सपोर्टर्स फ्रेट ओवर अनसर्टेनिटी ड्यू टू वॉर, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंजम्पशन था, अब अगर वहाँ पर नहीं कंज्यूम होगा तो फिर एक नुकसान हो सकता है।
इसके बाद है स्टॉक टैंक्स एज रशिया इन्वेड यूक्रेन। देखो मामला क्या है ना, तेल के दाम सीधे बढ़ते हैं इन चीज़ों से, जरूरत ना हो तब भी बढ़ा देते हैं लोग, और तेल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं, वैसे स्टॉक्स मार्केट गिर जाता है। तो अब इसके पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब एक एडिटोरियल आज आया था कि इज द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिव न्यू जॉब। आप लोगों ने अभी सोनी टीवी पे एक नया शो आ रहा है शार्क टैंक, आपने देखा होगा, जिसमें ये अश्विन ग्रोवर साहब हैं, भारत पे के फाउंडर, ये मामा अर्थ एक प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उनकी फाउंडर हैं, शादी डॉट कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता साहब, विनीता सिंह जो हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की ओनर हैं, ओनर नहीं कहूँगा फाउंडर कहूँगा, क्योंकि कंपनी तो बड़ी हो जाती हैं तो उसमें फिर शेयर होल्डिंग्स हो जाती हैं। नमिता थापड़ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ हैं, फाउंडर हैं, पीयूष बंसल साहब लेंसकार्ट का चश्मा आप हम पहनते हैं उसके ये फाउंडर हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक शो चलाया था अभी शार्क टैंक पे, और शार्क टैंक कर सोनी पे, जिसका नाम था शार्क टैंक। तो उसी से रिलेटेड और थोड़ा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल आया है, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना कोई खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है मामला। एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो नए स्टार्टअप हैं क्या जॉब बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, स्विगी देख लो, जोमेटो देख लो, सरकारी नौकरी तो 5-5 साल से फॉर्म लोग भरे हुए हैं, पेपर का टाइम नहीं आता है, कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं, भले वो गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी समझ लो क्या होता है, GIG इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो सर्टेन ना हो, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, जैसे जोमेटो हो गया, ओला उबर हो गया, ये गिग इकोनॉमी है। आपने जब तक फ़ोन ऑन किया आपने काम किया, जब फ़ोन बंद कर दिया आपका काम बंद हो गया। आज फूड डिलीवरी है तो आप कर रहे हो, कल को लोगों ने खाना मंगाना बंद कर दिया, कोविड में फूड डिलीवरी कम हो गई थी, ओला जोमेटो स्विगी ये सब आधे फंक्शन पे काम करने लग गए थे। तो ये होता है, तो ऑफकोर्स ये जो नए स्टार्टअप्स हैं ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, इतने सारे एडटेक स्टार्टअप हैं आप देखते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं जो बहुत सारे टीचर्स को अपने साथ काम में दे रही हैं। तो ये सब मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से स्टार्टअप जो हैं वो जॉब दे रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छी चीज़ है, भारत की इकोनॉमी में भी बूस्ट कर रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल आया है। फिर आया है श्रीलंका नेवी डिटेन्स 22 फिशरमैन, फिर से ये मसला आया। मैंने कहा है फिशरमैन इशू बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम में क्लैट वालों के तो बिल्कुल आने की उम्मीद है। फिशरमैन इशू है क्या? फिशरमैन इशू के अंदर हमने देखा था कि भारत के जो फिश मछुआरे हैं वो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की इनको मछली मिलती है, ज़्यादा क्वांटिटी में मछली मिलती है, उसके बाद श्रीलंकन नेवी इनको रिटेन कर लेती है। यहाँ पे हमने कच्छा तीवू आइलैंड के बारे में जाना था कि पहले वो भारत का पार्ट था लेकिन अब श्रीलंका का पार्ट है, और वो कब हुआ था, जब 1970s में इंदिरा गांधी जी ने पीस डील करी थी श्रीलंका के साथ कि भैया हमारे मछुआरे जाते हैं तुम्हारे मछुआरे आते हैं तो एक प्रॉपर लाइन में खींच लो, तो उसमें कच्छा तीवू आइलैंड जो है ना वो चला गया था श्रीलंका के पास। तो आज के हमारे मछुआरे जो हैं वो ये कहते हैं कि भैया ये आपने गलत किया, हम तो पहले जाते थे वहाँ कच्छा तीवू आइलैंड पे मछली पकड़ते थे, अब तो आपने जाना अलाउ नहीं छोड़ा है। फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि जो भारत के मछुआरे ना वो ट्रैवलर्स से मछली पकड़ते हैं, दिस इज ट्रैवलर्स, तो ये नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, देखो मछली तो आ ही रही है साथ में मछली के बच्चे और भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए भारत के जो बॉर्डर के अंदर के मछलियाँ हैं ना वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से ऐसे हम मछली पकड़ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है डीप फिशिंग, मछली पकड़ने का तरीका, यहाँ पे खड़े होकर जो कांटा फंसा के मछली पकड़ी जाती है उसकी बात करी जाती है। ये जरूर है कि इसमें कम समय में ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से श्रीलंका भी नहीं चाहता है कि आपके मछुआरे यहाँ पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ट्रैवलर से मछली पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मछुआरे जो हैं काफ़ी संपन्न है लेकिन श्रीलंका के मछुआरे डीप फिशिंग से ही मछली पकड़ते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, तो इसीलिए वो नहीं भी चाहते हैं कि आप वहाँ पे आएँ। तो ये पूरा मसला था। रेप मॉलेस्टेशन केस सर्ज इन सिटी, तो ये एक आंकड़ा आया है कि दिल्ली में जो है रेप एंड मॉलेस्टेशन के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ दिन पहले हमने देखी थी, मैंने आपको शायद बताया भी था कि 77 ईयर ओल्ड एक महिला थी, घर पर लेटी हुई थी और एक बंदे ने आके उनके रेप कर लिया। पता नहीं अभी तो न्यूज़ आई नहीं है कि वो बंदा पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है, लेकिन जो भी था मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं देश में, बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कानून कितने भी सख्त से सख्त किए जा रहे हैं लेकिन तब भी लोग नहीं मान रहे हैं। अब एक मूवी आई है अभी आप देखिएगा थर्सडे, जैसे एक मूवी थी वेंसडे ना, आपको याद होगा नसरुद्दीन शाह साहब की, बड़ी अच्छी मूवी थी, उसी का एक सीक्वल निकाला है अ थर्सडे, हॉटस्टार पे है, यामी गौतम ने उसमें एक्ट किया है, इसी मुद्दे के ऊपर बनी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है, जब आम आदमी परेशान होता है किसी मसले से तो क्या करता है। तो ये है, इसमें देखिए कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं किस तरीके से क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। स्नैचिंग का मामला 2021 में बढ़ गया है, मोलेस्टेशन का मामला 2020 में 2021 में बढ़ गया है 2020 के कंपैरिजन में, रेप का मामला 1618 केसेस थे अभी 2000 के आसपास हैं, और ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अनरिपोर्टेड चली जाती है।
जैसे कि जब मैं दिल्ली में था तो मेरा एक बार लैपटॉप चोरी हुआ था, मैंने केस नहीं फाइल किया था। तो ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। रॉबरी बढ़ गई है, रोड एक्सीडेंट बढ़ गया है, डकैती 9 थी अभी 24 हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं कोविड का इम्पैक्ट भी बोल सकते हो आप, कि बेरोजगारी और ये चीज़ें बढ़ रही, लेकिन दिस इज़ नॉट जस्टिफिकेशन। किसी भी चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और हमारी पुलिस को, हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको इन चीज़ों पर रोक लगाने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। इसके बाद देखो एक न्यूज़ है, ऐसी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना। अभी आसाम ना 400th बर्थ एनिवर्सरी बना रहा है लचित बरफुकन साहब की, और उसमें श्री रामनाथ गोविंद जी को इनवाइट किया है। तो ये कौन है लचित बारपुकन? तो लचित बारपुकन जो है, इनके वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हो, जिन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई करी थी 1671 के वॉर में, और उन्हीं की 400वीं एनिवर्सरी है, उसी को ऑनर करने के लिए प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जा रहे हैं। तो ये कौन है, कभी इनके नाम पे कुछ ना आ जाए तो परेशान मत होना। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आसाम, और इन्होंने ब्रिटिशर से 1671 में युद्ध लड़ा था। तो ये इनके बारे में है। फिर देखिए, अभी IMD ने कंफर्म किया है कि जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्टाफ बिपिन रावत जी का जो देहांत हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका मेन कारण था क्लाउड जो है काफ़ी नीचे थे कुन्नूर में, और इसके वजह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई और ये एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद अनलाइक पर्दा और बुरखा, हिजाब इज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो पर्दा, जैसे हिंदू रिलीजन में आप देखते हैं कि पर्दा करती हैं महिलाएं, बुरखा जैसे होता है, उसी तरीके से हिजाब इज ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसा बात रखी गई है कर्नाटका हाई कोर्ट में। लेट्स सी इस पे क्या वर्डिक्ट आता है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्डिक्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की पूरी उम्मीद है, देखेंगे तब। अब आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ने से पहले जो रिवीजन होगा, उससे पहले अगर देखो आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आपको क्लैट 2022 में देना है, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो भैया ये हमारा क्रैश कोर्स है क्लैट 2022 के लिए, इसमें इनरोल कर लेना। क्लैट 2023 के लिए हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एलेट क्लैट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्लैट LLM देना है, तो 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, एंड दिस इज आर हाइएस्ट सेलिंग कोर्स, सबसे ज़्यादा कोर्स बिका है इस साल हमारा। ये करीबन 150 स्टूडेंट्स ने इसमें इनरोल किया है। इसके बाद एलेट पीजी 2023 का भी हमारा कोर्स चल रहा है, एलेट पीजी के हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। एलेट पीजी का क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है, क्लैट पीजी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा DUL का हमारा, DULLB का एलिट बैच चल रहा है, DULLB का मॉक टेस्ट चल रहा है, NLS का 2022-2023 का कोर्स चल रहा है, NLS का मॉक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप लोग देखिए इतना पैसे खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ाई में पैसा खर्च करने में इतनी बार सोचते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज में इनरोल करिए, यहाँ नहीं तो कहीं और कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई पर पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज़ ऑन योर एजुकेशन। उससे सबसे ज़्यादा रिटर्न आने वाला है, और ना बिटकॉइन से इतना रिटर्न आने वाला है, ना शेयर खरीदने से इतना रिटर्न आने वाला है। और मॉक टेस्ट देखिए, अभी क्या है ना, 28th of February तक हमारा एक डिस्काउंट चल रहा है, 6 month एनिवर्सरी है हमारी। CPT10 आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इनमें से किसी भी कोर्सेज के अंदर, तो आप इनरोल कर लीजिए। एंड मॉक तो आप लोग ले ही सकते हैं, क्योंकि मॉक तो आप लोग देते ही रहते हैं, ठीक है। मॉक में आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको सोल्यूशन मिलता है, प्लस आपको पता पड़ता है कि आप कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज इट, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक न्यूज़ देखी कि पर्दा बुरखा की तरह हिजाब भी जरूरी है, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट में रखा गया है बात। IMD क्रैश, कॉप्टर क्रैश, IMD कन्फर्म्स लो क्लाउड्स एट कुन्नूर। फिर हमने इनके बारे में जाना, लचित बारफुकन साहब के बारे में। देन हमने ये श्रीलंका इंडिया के बीच में फिशरमैन इशू देखा, इकोनॉमी वाले एक आर्टिकल देखा, रशिया वाला पूरा मसला देखा, वीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों रशिया कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आज का कोई इसका क्वेश्चन आपके लिए रखा है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।